Welcome to JD Eclipse. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. देखिए, दिल्ली में थोड़ी बहुत चर्चा अगर हुई भी है तो केवल दो तीन सीटों को लेकर के और दो तीन उम्मीदवारों को लेकर के। एक कन्हैया कुमार, उनको लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर बगावत की स्थिति देखने को मिली, और अवरिंदर सिंह लवली जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया अध्यक्ष पद से, और यहाँ तक कह दिया कि साहब हमारी राय ही नहीं ली गई और कैंडिडेट जो है वो घोषित कर दिया गया। इसको लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, या उदित राज को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हुई है, और इन दोनों को ही लेकर के ये कहा गया कि ऐसे अननोन से चेहरे ला करके यहाँ पर हमारे सिर पर बैठा दिए गए, ठेल दिए गए, हम पर थोप दिए गए, जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और कांग्रेस में इनका कंट्रीब्यूशन भी क्या रहा है संगठन के तौर पर या वैसे किसी भी चुनाव में। तो ये चीज़ें केवल चर्चा का विषय रही हैं, या उस समय थोड़ा बहुत चर्चा इस बात को लेकर के था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 जीते हुए कैंडिडेट में से 6 क्यों बदल दिए। अभी जैसे हंसराज हंस को चेंज कर दिया था, गौतम गंभीर ने तो अनिच्छा जाहिर कर दी थी, या समय रहते उनको लगा कि मैं अपनी तरफ से ही कह दूं, टिकट तो मिल ही नहीं रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा तो उसको लेकर के थोड़ी चर्चा हो गई, क्योंकि उनको तो मंत्री परिषद से भी ड्रॉप किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन के साथ क्या समस्या हो गई थी, वो क्यों उतर गए प्रधानमंत्री की नज़रों से? देखिए, जिस समय इनको कैबिनेट से ड्रॉप किया गया था तो तमाम तरह की बातें कही गई थी। उस समय ये भी कहा गया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहीं ना कहीं पक्ष ले रहे थे, और बाबा रामदेव वाले मामले को लेकर के भी कुछ नाराजगियां अंदर खाते आ रही थी। तो और कोविड काल में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आम आदमी पार्टी के नेता एक एक दिन में 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हवा खड़ा कर रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत है, ये हो गया, हम तो ऐसे मर गए, हम तो वैसे मर गए, तो उसको लेकर के भी जो स्वास्थ्य मंत्री के नाते इनको एक कहना चाहिए था कि फेस करना चाहिए था और प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई थी। बाकी तो कोई और कारण मुझे समझ में नहीं आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप भी किया गया, अब उनका टिकट भी काटा गया। हालांकि जब उनका टिकट काटा गया तो अगले दिन उन्होंने एक तरीके से नाराज़गी जाहिर की थी, ये कह करके कि मैं तो अब राजनीति से ही संन्यास ले रहा हूँ और वापस अपने मूल पेशे में वापस लौट रहा हूँ। लेकिन बाद में हमने और आपने देखा कि वो सक्रिय हैं, प्रत्याशियों के लिए भी, धरने प्रदर्शन में भी, यानी उनको मनाया गया है, कहा गया है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, हो सकता है चुनाव निपटने के बाद जो है वो। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी का टिकट जिस तरीके से कटा है, और सबसे आश्चर्यजनक मेरे लिए कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, जब पश्चिमी दिल्ली से सर्वाधिक मतों से जीते थे प्रवेश वर्मा, साहब सिंह वर्मा के साहबजादे, 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, फिर भी उनका टिकट काटा गया और उनकी जगह कमलजीत सहरावत को लेकर के आया गया। फिर रमेश विधूड़ी का टिकट कटना, रामवीर विधूड़ी को लेकर के आना दक्षिण दिल्ली से, ये भी अपने आप में थोड़ा चर्चा का विषय इसलिए रहा कि रमेश विधूड़ी ने पार्लियामेंट के सदन में खड़े होकर के दानिश अली के बारे में कुछ टीका टिप्पणियां कर दी थी, जिसको लेकर के काफ़ी सुर्खियां वुर्खियाँ बन गई थी, और जो इकोसिस्टम है उसको गई थी। बातें तो, हालांकि उसमें ये भी कहा गया था फेस सेविंग के लिए कि चूंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी इसलिए हमने कह दिया, लेकिन चूंकि वो एक इशू बन गया था संजय जी, स्पीकर ने भी उस पर नाराजगी जाहिर कर दी थी, पार्टी संगठन ने भी उनको सोकोज नोटिस इशू कर दिया था कि आप इस तरह की बातें, मतलब इतनी भद्दी बातें कम से कम सदन के पटल पर तो ना कहें, कहीं और कहना है तो क्या है कि साहब पोटेशियम ऑक्साइड कोई ऐसी कोई गलत चीज़ तो नहीं है कि आप अगर किसी को पोटेशियम ऑक्साइड कह दें तो वो बुरा मान जाए?
तो मुझे लगता है कि हालांकि जो पिछली हम देखें लीड और जो पिछली बार की जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं कोई गुंजाइश मुझे दिखाई देती नहीं है दिल्ली में कि ये जो इनका गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये कोई भी अब गुल मुझे खिला तो पाएगा। और भी इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे अधिक जो लगती है वो आपने कन्हैया कुमार और उदित राज की तो बात कर दी। जेपी अग्रवाल तो ठीक है, पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट फील्ड किए हैं कि एक कुलदीप कुमार खड़ा कर दिया और वो सही राम पहलवान खड़ा कर दिया और ये सोमनाथ भारती और वो चुका हुआ महाबल मिश्रा, ये क्या कैंडिडेट दिए इन्होंने, क्या सोच के? नहीं, उनके पास कैंडिडेट एक्चुअल में है ही नहीं। अब आप देखिए नई अपने दिल्ली एमएलए सीट को पे। खड़ा कर देते, एमएलए जितने हैं उनके पास तो 62 एमएलए हैं। हाँ जी, लेकिन आप पिछली बार का भी अगर देखें तो पिछली बार भी कैसे कैसे लोग इनके हारे थे। आतिशी मार लेना तीसरे नंबर पर रही थी और राघव चड्ढा जो हैं वो करीब करीब 3.5 लाख मतों से हारे थे। तो इनके पास कैंडिडेट एक्चुअल में है नहीं। 2014 में भी तीसरे नंबर पर रही थी आम आदमी पार्टी और 2019 में भी तीसरे नंबर पर रही थी। अब आप वोटो परसेंटेज देखो ना, चांदनी चौक में बीजेपी को 53% वोट मिले थे, कांग्रेस को 30% और आम आदमी पार्टी को 15%। इनके 30 और 15 मिला दें तो भी 45% बैठ रहे हैं और बीजेपी को वहां मिले थे 53%। अभी भी इनसे करीब करीब 8% ज्यादा है उस हिसाब से। और यह कोई जरूरी नहीं होता है कि जो इनको मिले थे और जो कांग्रेस को मिले थे वो मिला करके उतने इस बार फिर मिल जाए, उतने मिल ही जाए। नॉर्थ ईस्ट पे आप देखिए बीजेपी को 54% मिले थे, कांग्रेस को 19 और इनको केवल 13 मिले थे आम आदमी पार्टी को। ये मिलकर के भी 32% होते हैं, तो कहाँ 54 और कहाँ 32%। ईस्ट दिल्ली देख लीजिए, 55% जो है बीजेपी को मिले थे, कांग्रेस को 24 और इनको 17% मिले थे, यानी कुल मिलाकर के 41% बैठते हैं 55% के सामने। नई दिल्ली में भी 55% बीजेपी को मिले थे, इन दोनों को मिलाकर के 43% होते हैं, 27 कांग्रेस को, 16 आम आदमी पार्टी को। वेस्ट दिल्ली जहाँ से प्रवेश वर्मा जीते थे और मैक्सिमम मार्जिन से जीते थे, वहाँ 60% वोट जो वोट शेयर बीजेपी को मिला था, 19 कांग्रेस को, 17 इनको, यानी कुल 36%। नॉर्थ वेस्ट में 60% वो वोट शेयर मिला था बीजेपी को और इनको कुल मिलाकर के 37%, 16 कांग्रेस को, 21 आम आदमी पार्टी को। साउथ दिल्ली में 56% बीजेपी को मिला था, कांग्रेस को 13 और आम आदमी पार्टी को 26, यानी कुल मिला के 39%। और इस बार के भी जो मुकाबले जिसकी आप चर्चा कर रहे थे सोमनाथ भारती वगैरह की, अब नई दिल्ली सीट पर देखिए आप, सुषमा स्वराज की बेटी को उतारा है इन्होंने मीनाक्षी लेखी का टिकट काट करके। उनका संसदीय जीवन शुरू करना था, कुछ और भी होगा उनके दिमाग में, इनके सामने आप सोमनाथ भारती को लेकर के आ रहे हैं। इसी तरह चांदनी चौक में, चलो चांदनी चौक में फिर भी एक फाइट देखने को मिलेगी कि भले ही 79 साल की उम्र है जेपी अग्रवाल साहब की, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल को वहां से लेकर के आए हैं बीजेपी वाले, वहां से हर्षवर्धन को हटाया है। पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को लेकर के आए, वहां आप कुलदीप कुमार को उतार रहे, कोई मुकाबला ही नहीं दिखाई दे रहा है। और कुलदीप उत्तर कुमार का पूर्वी, ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि क्योंकि कुलदीप कुमार दलित हैं और उनको जनरल सीट पर उतारा जा रहा है, तो इसलिए बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। कोई मुकाबला नहीं होगा। पूर्वी दिल्ली मतलब आप पीछे का रिजल्ट भी देखें उठा करके, तो मतलब ह्यूज डिफरेंसेस जो दिखाई देते हैं। अब उत्तर अमानतुल्लाह का पूर्वी वोट दिलवाएगा ना ईस्ट दिल्ली में? वो सब भी, वो तो 2014 2019 दोनों में ही वोट पड़ते रहे संजय जी, उसका फर्क नहीं पड़ता है। अब आप मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को लेकर के आएंगे, वो क्या मुकाबला करेगा? इसी तरीके से आप उत्तर पश्चिमी दिल्ली में
उदित राज को लेकर के आ रहे हैं, उदित राज की क्या पहचान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किया है उन्होंने आज तक दिल्ली में? कुछ नहीं किया है। पश्चिमी दिल्ली में जहां से प्रवेश वर्मा जीते थे और बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, वहां इस बार एक महिला चेहरे को लेकर के आई है बीजेपी, कमलजीत सहरावत। एक और दिलचस्प इसमें है, सातों सीटों में आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखिए, लिस्ट में एक भी महिला चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दो महिला चेहरे लेकर के आई, बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत, यानी नई दिल्ली सीट से महिला और पश्चिमी दिल्ली से महिला। फिर दक्षिण दिल्ली में आ जाइए, रामवीर विधूड़ी को लेकर के आए, उनके सामने एक पहलवान साहब को उतार दिया उन्होंने। तो कोई मुकाबला मुझे दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली में कि ये मिलजुल करके भी कोई करिश्मा कर पाएंगे, किसी एक सीट पर भी कर पाएंगे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।